तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सपा सेंटर पर पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी है और लगातार पुलिसकर्मी मौजूद है और यहाँ पर इन को मौके पर पकड़ा गया है। पहले बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो है मसाज के नाम पर यहाँ पर देह व्यापार का काम यहाँ पर किया जा रहा था, इस तरह की सूचना मिल रही थी। इसको सूचना के आधार पर यहाँ पर पुलिस द्वारा छापा, यहाँ पर रेड मारी गई और रेड के दौरान कई लोगों को यहाँ पर पकड़ा है। और जैसी हमें जानकारी मिल पा रही है, जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले नकली ग्राहक पुलिस द्वारा यहाँ पर तैयार किए गए थे, नकली ग्राहक के तौर पर यहाँ पर भेजा गया, तो इसका जब तब इस बात का खुलासा हो पाया। तमाम तस्वीरें सीधी आप लाइव देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है विभाग द्वारा पकड़ा गया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस द्वारा कई यहाँ पर महिलाएं और कई यहाँ पर पुरुष को यहाँ पर पकड़ा गया है। लाइव तस्वीर, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि इस तरह का पानीपत के अंदर कई जगह ऐसी सूचनाएं मिल रही थी और एसपी द्वारा यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। लगातार यहाँ जो तस्वीरें हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है और सपा सेंटर की यदि बात की जाए तो पानीपत में बिग बाज़ार के अंदर ही काफ़ी सपा सेंटर यहाँ पर खोले गए थे, लेकिन इसके अंदर किस तरह का काम चलता था उसकी सूचना को लेकर, देह व्यापार का यहाँ पर काम चल रहा था उसको लेकर यहाँ पर जो है रेड मारी, तो यहाँ पर कई युवकों को और युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। और लगातार आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं पानीपत के बिग बाज़ार से, और ऐसे तमाम कई जगह सपा सेंटर हैं और सूचना मिलते हैं यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि कई जगह और भी रेड पड़ सकती है, ऐसी जो सूचना है हमें हमारे पास आ रही थी। आपको लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का जो है लोगों को जोड़ें, क्योंकि इस तरह का देह व्यापार यहाँ सपा सेंटर के नाम पर लगातार चल रहा था। बिग बाज़ार तो ये तमाम तस्वीरें, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली एसपी द्वारा यहाँ पर जो है रेड डाली गई और रेड में यहाँ पर नकली ग्राहक जो है भेजा गया था और जिसकी साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ को हिरासत में भी लिया है मौके से, यहाँ पर जो है युवतियों को और युवकों को गिरफ्त में लिया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है। लाइव रेड आप देख पा रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप खबर को शेयर करें ताकि इस तरह का पानीपत के अंदर तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं पानीपत के बिग बाज़ार से। बिग बाज़ार में सपा सेंटर के नाम पर देह व्यापार चल रहा था, ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और इसको किस तरह से पकड़ा गया उसके बारे में भी पुलिस प्रशासन से भी हम बातचीत कराएंगे। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें लाइव आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ को हिरासत में लिया गया, काबू में किया गया, पूछताछ अभी भी जारी है। अंदर जो है पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर मौजूद है, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है महिला पुलिस और जो है यहाँ पर पहुँची है महिला बल के साथ और जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है। पहले यहाँ पर सपा के नाम पर देह व्यापार जो है यहाँ पर किया जा रहा है, ये भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। Thank you.
जैसा कि आपको बता दें कि पुलिस को यहाँ लगातार सूचना मिल रही थी कि किसी प्रकार का यहाँ पर गलत काम यहाँ पर चल रहा है, तो इसी के आधार पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर छापेमारी की है। छापेमारी के बाद पुलिस ने कई युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। पानीपत की जो बड़ी खबर है, आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने रेड मार कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को जो है कई दिनों से यहाँ पर सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गलत काम जो है सपा सेंटर के आड़ में जो यहाँ पर चल रहा था, उसी की सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर रेड की है और रेड के आधार पर कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स जो है वो मौके पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे, लेकिन बेहाल जो तस्वीरें हैं वो आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है और शहर में किस तरह का काम जो कारोबार चल रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शहर की बड़ी खबर जो है वो हम आपको जो है लाइव दिखा रहे हैं। पुलिस को लगातार यहाँ से सूचना मिल रही थी, सूचना के आधार पर पुलिस ने जो है यहाँ पर रेड की है। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड की है और रेड के दौरान जो है कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को पिछले कई दिनों से जो है लगातार यहाँ से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गलत काम यहाँ पर चल रहा है, इसी को लेकर पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर रेड की है और रेड के बाद जो है कई युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पूरा वाक्य जो है वो आपके सामने है। डीएसपी मुखालिया यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, वो उनसे बातचीत भी कराएंगे। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर की एक शर्मसार खबर जो है वो यहाँ से सामने आई है। लगातार बने रहें और खबर को देखते रहें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है। और आपको बता दें कि शहर में किस तरह का काम जो यहाँ पर सपा सेंटर की आड़ में चल रहा था वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखने वालों की जो है भीड़ यहाँ पर पब्लिक की लगी हुई है, वो तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है, पूछताछ की जा रही है। डीएसपी मुख्यालय जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर जो है पुलिस ने छापेमारी की है। तस्वीरें आप साफ पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत पुलिस को जो है कई दिन से जो है गुप्त सूचना मिल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड कर जो है कई युवक युवतियों को यहां पर हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इसके बाद कई और स्थानों पर जो है पुलिस रेड कर सकती है, क्योंकि पुलिस को और भी कई स्थानों से जो है सूचना मिल रही है, गुप्त सूचना पुलिस को मिल रही है। वो आपको लगातार जो है हम खबर दिखा रहे हैं, कई युवक युवतियों को हिरासत में यहाँ पर ले लिया गया है। वो तस्वीरें भी आप लगातार सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है और ये युवक युवतियाँ हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, पर करीब 2 दर्जन के करीब जो है युवक युवतियों के यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन्हें ले जाया जा रहा है। डीएसपी मुख्यालय यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या मामला था, कैसे सूचना मिली सर? देखिए, गुप्त सूचना थी ये कि यहाँ कुछ गलत काम होता है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने यहाँ पर अभी काउंट करेंगे, सभी को घेर के किस तरह से काउंट करेंगे, क्या क्या फर्जी बना करके भेजा गया था सर? तो कितने हिरासत में लिए अभी युवते अभी आप गिन लेना अभी तो सर, और भी किस जगह रेड की जा सकती है सर, जिस तरह के लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी? तो ये डीएसपी सतीश वत्स से जिन्होंने जानकारी दी कि और जो है लगातार जो है पुलिस प्रयास कर रही है और कई युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। लगातार जो है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है और पुलिस को जो है लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ पर सूचना मिल रही थी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड मारकर कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया है। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, जहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया है। वो लाइव तस्वीरें आप मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है और लगातार
पुलिस को इस तरह की सूचना मिल रही थी कि सपा सेंटर की आदमी जो है कई गलत काम यहाँ पर चल रहा है, इस तरह की सूचना थी पुलिस ने, और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ रेड की है, और रेड के बाद जो है कई युवक युवतियों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा कर शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है, और आपको बता दें कि शहर में किस तरह का कारोबार चल रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार जो है लगातार जो है पुलिस कार्रवाई के लिए इन्हें गाड़ी में बैठा कर लेके जा रही है, वो तस्वीरें भी आप लगातार सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने जो आज कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया है, पुलिस को लगातार जो है गुप्त सूचना मिल रही थी, और सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर जो है कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर जो है वो आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख रहे हैं, कई युवक युवतियों को जो है आप पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इन्हें कार्रवाई के लिए पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा लेके जाया जा रहा है। वो तस्वीरें आप लगातार सीधी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, करीब एक दर्जन के करीब युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को जो है लगातार सूचना मिल रही थी, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है, पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा है, और कई युवक युवतियों को जो है यहां पर हिरासत में लिया है लगातार। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शहर तमाम शहरवासियों तक ये खबर पहुंच सके, और पता चल सके कि किस तरह का कारोबार जो है मित्तल मेगा मॉल में चल रहा था। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जो है छापेमारी की है, और छापेमारी के दौरान कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया है। लगातार जो है खबर आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, जहाँ भारी भीड़ यहाँ पर गई है। लगातार जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इन युवतियों को जो है लेकर जाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप लगातार सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। सही युवक युवतियों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और उन्हें पूछताछ के लिए जो कार्रवाई के लिए उन्हें लेकर जाया जा रहा है। लगातार तस्वीरें जो है पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है, और आपको बता दें कि किस तरह का कारोबार जो है सभा सेंटर की आड़ में यहाँ पर चल रहा था वो भी हमने दिखाया। बेहद जो कई युवतियों को युवकों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, और उसके बाद जो है पूछताछ के लिए इन्हें पुलिस द्वारा लेकर जाया जा रहा है। जो है डीएसपी सतीश वज मुखल्या ने उन्हें पुलिस के साथ यहां मौके पर पहुंचे थे, और गुप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि यहां पर कुछ गलत काम होता है, उस आधार पर हमने रेड की थी। अभी आप देख रहे हैं रेड का लाइव ही देख रहे हैं क्या जी चल रही है कार्रवाई, थोड़ा सा फाइनल आपको थोड़ी देर तक बता पाएंगे। एक बार नाम पते सारे कौन कौन है उसके, कोई मसाज पार्लर का मालिक भी गिरफ्तार हो गया? हाँ मालिक ही बता रहा था, जो पकड़ा था उसने जो काउंटर पर था मालिक ही बता रहा था, अभी बाकी पूछताछ से ही पता लग पाएगा। लगभग कितनी युवतियाँ थी सर अंदर, आपने कौन सी है अच्छे से लगते हैं क्या? तो एक किस नाम से चलाया जा रहा था जी? अभी सारी डिटेल मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा ही रेड में ही बिजी थे, सारा नाम पते नोट करके एग्जैक्ट आपको थोड़ी देर तक ब्रीफ में करता हूं। तो बोगस ग्राहक बनाया गया था जी आपकी तरफ से? बोगस ग्राहक बना दिया। तो मसाज पार्लर के आड़ में कोई सेक्स एक्ट चलाया जा रहा था? हाँ बिल्कुल। कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ मिली मौके पे, क्या मिला जी? ये सारी डिटेल मैं बाद में बताऊँगा आपको, सब आपत्तिजनक था। हमने जो साइन करके जो नोट दिए थे हमारे डकाए को वो रिकवर हुए हैं, बाकी वहाँ देखने से लग ही नहीं रहा था कोई यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन का या मसाज पार्लर का कोई काम होता है, ऐसा नहीं था। वो देखने से ही लगता है कि भी ये ठीक गलत काम के लिए ही यूज़ हो रहा, तो अभी हम उसमें ऐसा फर्दर कर रहे हैं। कुछ लड़कियां नाबालिग भी बताई जा रही है इसमें जी, जो देखने अभी देखने से पता लगेगा, उनके हम डॉक्यूमेंट देखेंगे उनको पूछेंगे तब पता लगेगा कि नाबालिग है। थोड़ा सा ब्रीफ करें सर, आपत्तिजनक क्या चीज़ मिली आपको जिसके हिसाब से ये सारा शक हुआ जी? देखिए आपत्तिजनक कंप्लेंट थी, जैसे गुप्त सूचना थी कि वहाँ पर ऐसा है, तो हमने बोगस ग्राहक बना के साइन करके दिए और वो रेट सक्सेस हुई है। वो बाकी सारी चीज़ें बताने की नहीं होती ओपनली, वो तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं सब। इसके अलावा भी और कहीं रेट हमारी काफ़ी जगह सपा सेंटर चल रहा है, जैसे जहाँ की भी सूचना मिलेगी तुरंत रेट होगी।
तो ये डीएसपी मुख्यालय जिन्होंने बताया कि इसकी जगह और भी गुप्त सूचना के आधार पर रेड पुलिस द्वारा की जा सकती है। बहरहाल कई युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। डीएसपी मुख्यालय जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रेड मार कर मित्तल मेगा मॉल से कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया गया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है। और आपको बता दें कि सपा सेंटर की आड़ में शहर में किस तरह का कारोबार चल रहा था वो आपने लगातार जो है पंजबत के मित्तल मेगा मॉल से देखा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेलर पुलिस द्वारा जो है छापेमारी कर जो है कई युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। लगातार जो है पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर रेड कर जो है कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। और भी डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि इस तरह की जो सूचना मिलेगी तो वहाँ भी छापेमारी की जाएगी। बहरहाल जो है भीड़ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड के बाद जो है यहाँ मॉल में आने वाले लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ गई है। खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि शहर में किस तरह का कारोबार यहाँ चल रहा था वो आपने लगातार जो है सिटी तहलका के माध्यम से देखा। क्योंकि पुलिस को जो है लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। लगातार जो है सिटी तहलका के माध्यम से आप जो है पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से जो है ये खबर देख पा रहे हैं। लगातार जो है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि रेड के बाद जो है यहाँ भीड़ जो है वो बढ़ गई है। लगातार जो है और लोगों से बातचीत करेंगे। बहरहाल जो है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बताएं डीएसपी इतनी औरतों को हिरासत में लेके वैसे चले गए? आज पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी वैसे मीटिंग चल रही थी इन लोगों से, ठीक है, बातचीत चल रही थी मेरी। मैंने बताया, मैंने इनकी हेल्प मांगी, सारी चीजें हमने अपने मॉल में भी डिस्कस की, मैनेजमेंट से भी डिस्कस की, ठीक है। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता या मेरे को पता था क्या चल रहा है, तो ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में। आपने यही आते कहा कि आप कैसे कर रहे हो, आप मीडिया ट्रायल करो, आपको पता डीएसपी ने रेड मारी? मरीन किसी के पास कुछ है उसमें? तो आप बाद में मिलना, आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। तो ये मॉल का मैनेजर जो है वो यहाँ लगातार जो है मीडिया से बहस करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख सकते हैं जहाँ आज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारकर जो है काफी युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है सपा सेंटर की आड़ में गलत कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने यह मौके पर पहुंचकर रेड मार की और रेड मार के दौरान जो है काफी युवक युवतियों को हिरासत में लिया। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि शहर से जुड़ी खबर है। और आपको बता दें कि शहर में किस तरह का कारोबार जहाँ यहाँ पर चल रहा था वो आपने लगातार देखा। बहरहाल पुलिस जो है युवक युवतियों को हिरासत में लिया है और उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद जो है अब यहाँ पानी मित्तल मेगा मॉल के बाहर जो है वो भीड़ आप लगातार देख सकते हैं। हालांकि जो मैनेजर हैं वो लगातार मीडिया से बहस करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई इस तरह का कारोबार जो है वो नहीं चल रहा था, लेकिन जो है तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई और लाइव के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने जो कई युवक युवतियों को जो है गुप्त सूचना के बाद जो है हिरासत में लिया है और उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। क्योंकि पुलिस को जो है गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान जो है इन युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया गया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि शहर से जुड़ी ये खबर है। और पानीपत पुलिस को जो है लगातार जो है गुप्त सूचना मिल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर पुलिस ने जो है छापेमारी की है। छापेमारी के बाद जो है कई युवक युवतियों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ के लिए जो है पुलिस द्वारा यहाँ से उन्हें ले जाया गया है। क्या कुछ जो है पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बहरहाल जो आपको बता दें कि रेड के बाद जो है मॉल में जो है सन्नाटा सा पसरा दिखाई दे रहा है, वो तस्वीरें भी आप लगातार जो है सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि जो है
मित्तल मेगा मॉल में गुप्त सपा सेंटर की आड़ में जो है कुछ गलत काम चल रहा है, और उसी के बाद जो है पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के बाद जो है कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद जो है मॉल की अब ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि मॉल में जो है रेड पड़ने के बाद सन्नाटा सा पसर गया है। कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि कुछ फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर जो है शॉपिंग करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन सपा सेंटर की यार्ड में किस तरह का यहाँ पर काम चल रहा था वो तस्वीरें जो है आप लगातार सिटी में तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह की पहले भी पुलिस द्वारा कई बार रेड की जा चुकी है, जिसके बाद फिर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर छापेमारी की है, और छापेमारी के बाद जो है पुलिस ने कई युवक युवतियों को जो है हिरासत में लिया है, उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। लगातार जो है तस्वीरें आप पानीपत के मित्तल मेगा मॉल से देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने रेड कर कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। जो यहां के मैनेजर है वो यहां लगातार जो है मीडिया से बहस करते नज़र आ रहे थे, वो भी हमने आपको लाइव दिखाया। यहाँ पर जो है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पारिवारिक आदमी भी यहाँ पर पहुँचते हैं, और किस तरह का असर उन पर पड़ने वाला है वो आप खुद इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि गुप्त सूचना के आधार पर जो है पुलिस ने छापेमारी की है, और छापेमारी के बाद जो है यहाँ से कई युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें पूछताछ के लिए जो यहाँ से लेकर जाया गया है। अब इसके बाद क्या है कुछ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो उसके बाद की स्थिति है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आने वाले परिवार हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है, और यहाँ किस तरह का काम जो है चलता है, क्योंकि एक व्यस्त एरिए में जो है यह मॉल चल रहा है, और मॉल में पारिवारिक आदमी भी जो है यहाँ पर आते हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि खबर जो है आम पब्लिक तक ये पहुँच सके, और पता चल सके कि सपा सेंटर के आड़ में जो है किस तरह का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। बहरहाल जो पुलिस ने कई युवक युवतियों को यहाँ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सिटी तहलका के साथ जुड़े रहें। यदि आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शहर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप देख पाते हैं, और इस तरह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।